सूफी लफ्ज रसूल रहमत सिंद जमानस अंदर की यह सा गो दुमी सदी हिजरी हिंदिस आखिरी वक्त अंदर रही सूफी लफ्ज क्या लफ्ज बड़ी पहमत क्या लफ्ज क्या जिम सात नबी रहमत सुंद या दौरा तिर्मिज़ी हदीस मुबारक गवाह की खैरुल कुरूनी करनी सारी जमानों में आला इरफा जमान छुसु या जमान संदर कायनातन उच मोहम्मद रसूलुल्लाह ए बड़विन सुभान अल्लाह। इसलिए वो जमाना था अगर दफ्तर कशी करने वाला कोई आदमी भी आया शराबी आया बदकार आया जानी आया उसने मुस्तफा की सोहबत चंद लबात के लिए हासिल की तो अल्लाह ने उसे सहाबियत के लकब से सरफराज फरमा दिया। शराबी आया बदकार आया जानी आया नगरियात में मुब्तला आदमी आया लेकिन कुछ लम्हात के लिए मुस्तफा की सोहबत उसने इख्तियार की तो अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ए मुस्तफा की सोहबत हासिल करने वालों आपने मुस्तफा की सोहबत हासिल की अल्लाह आपसे राजी हुआ और आप अल्लाह से राजी हुए। नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए जो जमाने मुस्तफा था उस वक्त लफ्ज़ी सूफी मारी से वजूद में न था कि उस सहाबा who attended the companionship of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam they were endowed with the title of companions of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mana sahabiyat of naav den isliye samajhte timo panni khatr sahaba varai ka naav munasib ए तो शका तरह सारी फिक्र उन्हें बैठ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इमान दूत खुदा ही नहीं नाव क्या बड़ी पामत है साहबी इसलिए उन्हें सूफी कहने की जरूरत न थी बेशक कहता राम फिक्री बेशक इसके बाद जो जमाना था सुमल लजीन यलूनहुम वो ताबी का दौर कहलाया तिमन पे ना ताबीन तो सूफी कहने की जरूरत न थी। उसके बाद जो तीसरा जमाना था सुमल लजीन यलूनहुम तिमन पे ना आओ बड़ी पामत एतल सब्रहिम तुमिनु सरी तबा ताबीन को कोई और नाम देने की जरूरत न थी। अब वो जमाना आया था कि अब दूसरी सदी हिजरी के आखिरी लम्हे चल रहे थे आखिरी साल चल रहे थे तो अब अहले बिदात लोग खड़े हुए मुख्तलिफ थाट गई इमान इमान मज मोतजिला थाट अबुल वासिल आता फाउंडर द मोतजिला थाट इधर पढ़न मुख्तलिफ थाट आई मातुरीदी आई अशरी आई ए तो अच्छा का तरह सारी फिक्री बिदात इजाद करने वाले आई खराफात इजाद करने वाले आई अब किसी नाम की जरूरत पड़ गई बेशक बेशक हुशार सहरी बेशक गड़नी लूकन क्या पे नाव बड़ी बनु सहरी एम पत अब जो जमाना आया था वनकन हर किसी फिरके के लोग दावा कहते थे उससे हकीकी मानवान मजबित जाहिद लेकिन जो अब अहले सुन्नत वल जमात में से आबिद व जाहिद थे तो उन्होंने अपने लिए नाम रखा सूफी सुभान अल्लाह बड़ी पामत बोलियो सुभान अल्लाह ईमान क्या पे नाव बनियो बड़ी अगर ची तु पु सूफियत पे किताब किताब लुमा तु पु फर्स्ट बुक ऑन तसव्वुफ दैट इज रिसाला कुशेरी रिटन बाय अल्लामा कुशेरी रहमतुल्लाह अलैह तु पु अल्लाहु अकबर कबीरा किताब अब्दुल रहमान अस्सलामी तबकात सूफिया आप किसी भी तसव्वुफ की जो प्राइमरी सोर्स है उसका मुताला फरमाए इमाम अहमद रजा इमाम अहमद रजा और मारिफ तसव्वुफ इमाम तमाम इमजन प्राइमरी सोर्स सूफियत पे छु इमान यून मुताला करियो ती असी सी बेहतरीन किताब हकीकत तसव्वुफ लिस्म अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अंती लेकिन सुतात मन जी कात असी सी ऐड करा
साइड फरमावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी सब दपान तिम नफर तिम सहाबी यमन मन सहाबी रूमी ओस यमन मन बिलाल हबशी ओस यमन मन बागी जायद सहाबाई किराम ओस यमन मस्जिद नबी के सबूतरस मज तशरीफ फरमा यमन वाला ने असहाबी सुफा जिन्होंने घरों को छोड़ा अपने आलो आयाल को छोड़ा और हर वक्त मुस्तफा की संगत में जमे बैठे रहे तो इनकी राह पे जो चलने वाले लोग आए वही सूफी कहलाए। सुभान अल्लाह।